गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। बागवानों से लूट को कैसे रोकेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है और इससे पहले एक और डर बागवानों को सता रहा है। हर साल उनका पैसा कुछ ऐसे आड़तियों के पास फंस जाता है जो उनको पैसा नहीं देते। उनसे धोखाधड़ी के ऐसे कई मामले आए हैं और प्रेस के पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं, मगर इनमें से अब तक कुछ नहीं हो सका है। हर साल सरकार इस संबंध में कदम उठाने की कोशिश करती है, मगर ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि बागवान इसमें सीधे रूप से आड़ती से जुड़ा होता है और बाद में जब धोखाधड़ी होती है तो शिकायत पुलिस के पास जाती है। ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि आड़तियों को लाइसेंस सरकार की एजेंसी देती है तो सवाल इन एजेंसियों पर उठते हैं, मगर बागवानों का पैसा नहीं मिल पाता। कालका शिमला एनएच पर खतरा बरकरार, परवाणु से कैथली घाट तक पहाड़ियों पर अटके हैं बड़े पत्थर। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बरसात में फिर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। परवाणु से कैथली घाट तक फोर लेन में पहाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर अटके हैं। बारिश से ये पत्थर कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। इसके अलावा मलबा गिरने का खतरा भी हर समय रहता है। मलबा और पत्थरों के सड़क पर आने से हाईवे फिर बाधित होने की आशंका है। आने वाले दिनों में बारिश में हाईवे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने झोंकी ताकत, देहरा बनी हॉट सीट। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रचार थम जाएगा तो इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने फील्ड में सक्रियता बढ़ा दी है। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीटें खाली हुई, जिसके बाद तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें देहरा हॉट सीट बनी है। इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश चुनाव मैदान में है। वहीं भाजपा ने निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को ही प्रत्याशी बनाया है। छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी शिक्षक फरार। 5 छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी शिक्षक फरार है। महिला पुलिस थाना ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर रखा है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन आरोपी ठिकाने बदल रहा है। पुलिस के पास कुछ दिन पहले इस प्रकरण को लेकर शिकायत आई थी। इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन करती रही। अब आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। SP डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। स्कूलों में नशे के खिलाफ बनेंगे एंटी ड्रग स्क्वाड, व्यवहार में बदलाव आने पर रखी जाएगी नज़र। हिमाचल के स्कूलों में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग स्क्वाड बनेंगे। बच्चों को नशे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नशा विरोधी दस्तों के गठन की घोषणा की है। यह पहल हिमाचल प्रदेश एकीकृत नशा निवारण नीति को लागू करने के प्रयास के हिस्से के रूप में की गई है। हिमाचल में स्क्रैप होंगे 15 साल पुराने वाहन, 15 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को सरकार स्क्रैप करेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग प्रदेश के 12 जिलों में 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। स्क्रैप के लिए जाने वाले वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को रीयूज यानी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा। जब वाहन स्क्रैप के लिए जाएगा तो इसका पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लोग बेच देते हैं। एक समय में गाड़ी पुरानी हो जाती है और कबाड़ बन जाती है, लेकिन इनके कुछ पार्ट्स को मैकेनिक खोलकर प्रयोग करते रहते हैं और यह इस्तेमाल चलता रहता है। वहीं ऐसा करने से सरकार की पुराने वाहनों को ख़त्म करने की जो मंशा है वो पूरी नहीं होती। स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्पेयर पार्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जल्द भेजें असुरक्षित स्कूल भवनों की रिपोर्ट।
शिक्षा विभाग ने स्कूल सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत जिलों से स्कूलों के भवनों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग ने 2 सप्ताह में स्कूल भवनों को लेकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। इसमें दस्तावेजों सहित फोटो व वीडियो के माध्यम से यह रिपोर्ट देनी होगी। प्रदेश में कुल कितने स्कूल भवन हैं, कितने स्कूल भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है और कितने स्कूल भवन सुरक्षित हैं आदि के बारे में जानकारी देनी होगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि यदि इस बारे में सही तरह की जानकारी नहीं दी जाती तो ये जिम्मेदारी स्वयं स्कूल हेड की होगी। डिफॉल्टर के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सभी जिला निदेशकों को अधिसूचना जारी की गई है। फंसे बिजली प्रोजेक्टों को रियायतें देगी सरकार। ऊर्जा राज्य हिमाचल में सालों से नया बिजली प्रोजेक्ट उत्पादन में नहीं आया है। प्रदेश की सुखू सरकार ऊर्जा क्षेत्र को गति देना चाहती है और यह प्रयास करना चाहती है कि आवंटित किए गए प्रोजेक्टों को पूरा किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि पिछली सरकारों से हटकर कुछ नई रियायतें यहां परियोजना प्रबंधकों को दी जाएं, जिससे न केवल पुराने आधार में लटके प्रोजेक्ट पूरे हो सके बल्कि नए परियोजना प्रबंधक भी यहां पर आए और बिजली क्षेत्र में निवेश करें। प्रदेश में 24,000 मेगावाट की बिजली क्षमता है, जिसमें से अभी तक 10,000 से 11,000 मेगावाट का ही दोहन हो सका है। 1,500 रुपये पाने के लिए झूठी जानकारी देना पड़ सकता है, महंगा हो सकती है कार्रवाई। 1,500 रुपये सम्मान राशि पाने के लिए झूठी जानकारी देना महिलाओं को महंगा भी पड़ सकता है। योजना को लेकर जारी गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है। ऐसे में यदि कोई महिला इस सम्मान राशि को पाने के लिए फर्जी दस्तावेज देती है तो उसके खिलाफ तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाली महिलाएं भी इसमें पात्र नहीं है। आवेदन फॉर्म के साथ जारी सेल्फ डिक्लेरेशन में महिला को इस बारे स्पष्ट करना होगा कि वह किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर रही है और उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स, अनुबंध आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी, सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी श्रेणी के परिवार की महिलाओं को योजना से बाहर रखा गया है। ऐसे में ये महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी। इन जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार जारी बारिश के बीच आज शिमला और सिरमौर जिला में कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए दोनों जिलों के लोगों को एहतियात बरतने और लोगों को नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान है। 8 और 9 जुलाई को मानसून की गति थोड़ी धीमी होगी। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का एनालिसिस। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।